प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के इनकार करने के बाद जिस तरह से अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों ने यह मांग उठाई है कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, सबसे आश्चर्य का विषय यह है कि कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय दल कहती है और आज राज्य सरकार से उन्होंने भी मांग रखा है कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना कराई जाए और वो भी अगर केंद्र सरकार सहमति न दे तो अपने संसाधनों पर कराई जाए। मैं कांग्रेस पार्टी से निश्चित रूप से निराश हूँ उनके रवैये से। यही कांग्रेस पार्टी एक महीने पहले कह रही थी कि वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना कराने जाने के लिए उनके पास अपने संसाधन सब कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री की सोच इससे ज़्यादा कहीं बड़ी है। वो चाहते हैं कि भारत एक समृद्ध समाज का निर्माण करे और उसमें सभी भारतीय बनकर देश को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी सोच यह है कि जाति में समाज को कैसे बांटकर अपनी राजनीतिक हित साधें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी हम एकजुट होकर समाज का निर्माण करें और कहीं ना कहीं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और संकीर्ण सोच को पीछे छोड़ने की आवश्यकता है ताकि समाज मजबूत हो और जो लोग सही मायने में गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मदद करने में मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीबों के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री ने बार बार यह दोहराया भी है कि यह सरकार गरीबों की सरकार है और हम गरीबों के उत्थान के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि जब इस देश में बाघ और बाघिन का जब जनगणना हो सकता है तो जातीय जनगणना से सरकार परहेज क्यों कर रही है। जातीय जनगणना के बाद हमें लगता है कि जो निम्न तबके के लोग हैं उनके उत्थान में वो सहूलियतें आएगी और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका जातीय जनगणना को आधार मानते हुए गणना करवाने का पक्ष लिया है। तो हमें लगता है कि स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जातीय जनगणना करवाना चाहिए। ये देश में कई राजनीतिक पार्टियों का यह मत है कि जनगणना जाति आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस का भी कहना है, आरजेडी का भी कहना है, आप लोग का क्या मत है बताइए इसको लेकर? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से हर स्टेट में एक जनगणना का हुआ भी पहले है और अभी भी कुछ जगह में बातें चल रही है। जाति आधार पर जनगणना निश्चित रूप से होना भी चाहिए तो उससे पता चलता है कि हमारा जनजाति कितना है और कितना कौन कौन जातियां हैं, इसलिए जनजाति के हिसाब से भी मतलब इन जातियों का जनगणना होना चाहिए। अभी तो सत्र होना है। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।